हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी डिबेट। आज हम लोग फ्रेंड्स पढ़ने वाले हैं क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए साइंस में वीवीएम मॉडल सेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरह का यदि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च कीजिएगा www.studybee.in, इस पर जाकर बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। और इस वेबसाइट का लिंक आपका नीचे दिया गया है, वहां पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होगा, किस दर्पण की फोकस दूरी आपका ऋणात्मक होती है, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका अवतल दर्पण हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है फ्रेंड्स, तो f बराबर r बाय 2 संबंध है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बाय 2। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किस प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है, तो क्या हो जाएगा इसमें, यानी श्वेत प्रकाश का रंग यानी कौन सा रंग, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका लाल रंग। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि है। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि है, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका वास्तविक और सीधा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों। आकाश का रंग आपका नीला प्रतीत होता है क्यों, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो इसमें हो जाएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी है समतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा लेंस यानी निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। निम्नांकित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, तो मैक्सवेल। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी है कि विभवांतर का SI मात्रक होता है। विभवांतर का SI मात्रक होता है, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका वोल्ट। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नांकित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। निम्नांकित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका श्रेणीक्रम। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक किलो वाट घंटा किसके बराबर होता है। तो एक किलो वाट घंटा आपका किसके बराबर होता है, तो इसमें हो जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है,
तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, इसमें हो जाएगा अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी क्या है, लाल है, नीला है, हरा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स, है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, ऑप्शन नंबर ए है कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी है पुपिल, ऑप्शन नंबर सी है रेटिना, ऑप्शन नंबर डी है आयरिस, तो इसमें क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो इसमें हो जाएगा आपका आयरिस, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक एच पी बराबर है, एक एच पी बराबर है, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, एक एच पी बराबर है 746 वाट, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ऑप्शन नंबर ए है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है उत्तल दर्पण, क्या हो जाएगा इसमें आपका, विशालक शीशा होता है यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, तो हो जाएगा इसमें आपका उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो इसमें हो जाएगा आपका आवेश का, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक यानी यूनिट वाट के बराबर है, यानी वाट का मात्रक क्या है, तो इसमें हो जाएगा जूल पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है, तो ऑप्शन नंबर ए है एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी है वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी है ओम, ऑप्शन नंबर डी है वाट, विद्युत धारा का मात्रक है, तो इसमें हो जाएगा आपका एम्पियर, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए है O2, ऑप्शन नंबर बी है NH3, ऑप्शन नंबर सी है CO2, ऑप्शन नंबर डी है N2, यानी क्या हो जाए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है तो आपका O2 ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर ए है उपचयन, ऑप्शन नंबर बी है संयोजन, ऑप्शन नंबर सी है विस्थापन, ऑप्शन नंबर डी है अपचयन, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसमें हो जाएगा विस्थापन, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कली चूना पर जल यानी जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, ऑप्शन नंबर ए है उष्मा छेपी, ऑप्शन नंबर बी है उष्मा शोषी, ऑप्शन नंबर सी है विस्फोटक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, तो कली चूना पर जब जल यानी डाला जाता है तब आपका अभिक्रिया होता है तो उष्मा छेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ऑप्शन नंबर ए है आपका CU, ऑप्शन नंबर बी है HG, ऑप्शन नंबर सी है AG, ऑप्शन नंबर डी है AU, क्या हो जाएगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील आपका कॉपर यानी CU, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसमें हो जाएगा आपका CaOH2, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होगा, कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होगा, तो क्या हो जाएगा आपका ए और बी दोनों यानी 11 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।